बच्चों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ दो भाइयों की। इस कहानी का टाइटल है संगति का असर। इसमें दो भाई है, एक भाई है राम और दूसरा भाई है श्याम। इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। राम पढ़ने में बहुत होशियार था और उसका भाई पढ़ाई से बहुत दूर भागता था। राम के दोस्त पढ़ाई में अव्वल आते थे और वहीं दूसरी ओर श्याम के दोस्त पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे और वह पढ़ाई से दूर भागते थे। इन सब के बाद राम अपने भाई श्याम को ऐसे दोस्तों से दूर होने के लिए बोलता। श्याम, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो बिल्कुल भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और तुम उनके साथ रह के तुम भी पढ़ाई नहीं करते हो। तुम ऐसे दोस्तों से दूर क्यों नहीं होते हो? राम, तुम्हें क्या मतलब? वो मेरे दोस्त हैं। वो कैसे भी हो, मुझे पसंद है और मैं उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे उनके साथ मस्ती करने दो। मैं अपने हिसाब से पढ़ लूँगा, मुझे जितना पढ़ना है। क्यों, क्या बात है दोस्त? आज ऐसा क्या स्पेशल है कि आज क्लास में नहीं जाना है? तुम्हें नहीं पता, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए आज आप क्लास में नहीं जाएंगे और हम पार्टी करेंगे। चलो ठीक है, तो हम पार्टी करने चलते हैं दोस्त। श्याम, तुम क्लास में क्यों नहीं जा रहे हो? पार्टी इतनी जरूरी नहीं है जितनी पढ़ाई है। तुम क्लास अटेंड करो, नहीं तो मैं घर में मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। राम, मैंने तुमसे बोला है ना, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे मत रोको। मुझे क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ पार्टी करनी है। ठीक है, तुम जाओ। आज मैं तुम्हारी शिकायत घर पे जरूर करूंगा कि तुम क्लास नहीं अटेंड करते हो और तुम क्लास बंक करके घूमने जाते हो दोस्तों के साथ। इस प्रकार रोज श्याम के दोस्त आते और उसको किसी न किसी बहाने से क्लास के बाहर ले जाते और श्याम को भी इसी की आदत हो गई थी और वो रोज क्लास को बंक करके बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था। अब एक दिन परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ जिसमें राम और उसके दोस्त प्रथम आए हैं और श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। कैसा रहा तुम दोनों का रिजल्ट? आज तो तुम्हारा रिजल्ट आया था ना? माँ, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, ये रहा मेरा रिजल्ट। और श्याम, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? अपनी मार्कशीट दिखाओ मुझे। क्या सच में मैं फेल हो गया हूँ? जो एक क्लास में फर्स्ट आया और दूसरा क्लास में फेल हो गया है। माँ, मुझे माफ कर दो, अगली बारी से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने बुरे दोस्तों की संगति छोड़कर और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा और आपको दोबारा कभी उदास नहीं होने दूंगा। अब टाइम आया फाइनल रिजल्ट का। वार्षिक परीक्षा में राम से ज्यादा श्याम नंबर लाया और श्याम ने जो है वो पूरे स्कूल में टॉप किया है। वेल डन बेटा, आपने मेरा सर गर्व से ऊंचा किया और आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। इस कहानी का परिणाम यह है कि जैसी संगति होती है वैसा ही परिणाम होता है। जब श्याम गंदे दोस्तों के साथ था तो पढ़ने में नालायक था और जब उसने अच्छे दोस्तों के साथ रह के पढ़ाई स्टार्ट करी तो वो क्लास में नहीं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। तो आप अपने लिए अपने दोस्त जो है वो अच्छे बनाएं जो कि आपकी संगति के लिए अच्छे हों।